Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is conflict serializability. मतलब हमें एक शेड्यूल गिवन है और उस गिवन शेड्यूल को हमें चेक करना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं है. और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट के, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हम बात करें तो ट्रांजेक्शन के अंदर सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, सबसे पहला जो टॉपिक वो चूज करते हैं वो यही चूज करते हैं क्वेश्चन क्या, हाउ टू चेक वेदर अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट. तो यहां पे मेरे पास एक शेड्यूल गिवन है, शेड्यूल मतलब कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस, और इस शेड्यूल को चेक करना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं. तो उसके लिए क्या मेथड है, सबसे पहले तो आप शेड्यूल को देख लो, रीड ऑफ एक्स, रीड ऑफ वाई, रीड ऑफ एक्स, रीड ऑफ वाई, रीड जेड, डब्ल्यू वाई, ये इस तरीके से मैंने शेड्यूल लिखा हुआ है. तो आप पहले तो इस शेड्यूल को नोट कर लो और उसके बाद हमें चेक करना. बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है. एक बार अगर आपको क्लियर हो गया आप गेट के क्वेश्चन ट्राई करना और डेफिनेटली आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम चेक करते हैं. तो सबसे पहले हमने बनाना क्या है यहाँ पे, प्रेसिडेंस ग्राफ. हमने बनाना है यहाँ पे प्रेसिडेंस ग्राफ, मतलब एक तरह से ग्राफ ही बनाना है. और ग्राफ के अंदर हमारे पास होता क्या है, एजेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस मतलब नोड्स, और उनको मिलाने के लिए हम एजेस को ड्रॉ करते हैं. तो यहां पे कितने ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स लेने हैं, कितने वर्टेक्स लेने हैं वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है इस शेड्यूल के अंदर. तो इस एस शेड्यूल में तीन ट्रांजेक्शन है, T1, T2 एंड T3. तो कितने हमारे पास नोड्स बनेंगे या वर्टेक्स बनेंगे, तीन. तो आप कैसे मर्जी ड्रॉ कर लो, T1, T2 एंड T3. तो हमने उसको कुछ नेम दे दिया, T1, T2 एंड T3, जो ट्रांजेक्शंस का नेम है. अब हमें ड्रॉ करनी है एजेस, एजेस को ड्रॉ करना है. एजेस को ड्रॉ करने के लिए एक ही लाइन आपको याद रखनी है, वो क्या, चेक द कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स इन अदर ट्रांजेक्शंस एंड ड्रॉ द एजेस, एंड ड्रॉ द एजेस. आपको कॉन्फ्लिक्ट पेयर चेक करने हैं, तो सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर हमेशा याद रखना, रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट, ये तीनों क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स है. अगर हम सेम वेरिएबल की बात करें, मतलब एक्स और एक्स, वाई या वाई, जेड या जेड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीड ऑफ एक्स राइट ऑफ वाई, नो, रीड ऑफ एक्स और राइट ऑफ वाई, अगर वेरिएबल ही अलग हो गए, वो x के ऊपर काम कर रहा है, मैं y के ऊपर काम कर रहा हूं, तो दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. तो रीड x, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट, ये तीनों क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है इसमें से, अगर ये टाइम इंक्रीज कर रहा है ऐसे, ये टाइम लाइन है, तो सबसे पहला ऑपरेशन है रीड ऑफ x. तो आपको ध्यान से चेक करना है रीड ऑफ x, रीड ऑफ x का कॉन्फ्लिक्ट कौन होगा, राइट ऑफ x. रीड ऑफ एक्स का कॉन्फ्लिक्ट कौन होगा, राइट ऑफ एक्स. आपको राइट ऑफ एक्स चेक करना है, क्या T2 में कहीं पे राइट ऑफ एक्स है या T3 में कहीं पे राइट ऑफ एक्स है. पहले T2 पे चेक करो, नहीं है. T3 में नहीं है, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप एक तरह से कट कर सकते हो बिकॉज इसको हमने चेक कर लिया. अब हम बात करते हैं रीड ऑफ वाई, नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा, रीड ऑफ वाई. तो रीड ऑफ वाई का कॉन्फ्लिक्ट राइट ऑफ वाई, तो राइट ऑफ वाई चेक करो, पहले तो यहां पे है T2 में, नहीं है. T1 में है राइट ऑफ वाई, नहीं है, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको भी कट कर दो. कट करने का मतलब इसको चेक कर लिया. रीड ऑफ एक्स, तीसरा ऑपरेशन कौन सा है, रीड ऑफ एक्स. लाइन बाय सीक्वेंशली चेक करते जाओ बस. रीड ऑफ एक्स कॉन्फ्लिक्ट राइट ऑफ एक्स, चेक करो राइट ऑफ एक्स है कहीं पे, नहीं है. राइट ऑफ एक्स है कहीं पे, यस, ये रहा राइट ऑफ एक्स. आप कहां पे खड़े हो, यहां पे, और कॉन्फ्लिक्ट कहां मिला, T1 पे. तो T3 से T1 एक लाइन ड्रॉ कर दो. ये डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है आपको, डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जहां पे डायरेक्शन भी होती है. तो आप चेक कर रहे हो T3 में और मिला कहां, T1 में, तो T3 से T1 एक लाइन ड्रॉ कर लो और कंप्लीट. कंप्लीट मतलब चेक कर लिया. रीड ऑफ वाई, उसके बाद ऑपरेशन यहां पर आते हैं नेक्स्ट. रीड ऑफ वाई कॉन्फ्लिक्ट राइट ऑफ वाई, चेक करो राइट ऑफ वाई, नहीं है. चेक करो राइट ऑफ वाई, ये रहा. दोबारा ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी हमने चेक कर चुके हैं, आपको नीचे ही चेक करना है, उसके नीचे नीचे. रीड ऑफ वाई, राइट ऑफ वाई मिल गया. तो आप खड़े कहां पे हो, T2 पे, और मिला कहां, T3 में. तो T2 से T3 एक लाइन ड्रॉ कर दो. कर दी,
खत्म, चेक कर लिया। रीड ऑफ जेड, रीड ऑफ जेड कॉन्फ्लिक्ट राइट ऑफ जेड, क्या कहीं पे राइट ऑफ जेड है? यस, ये रहा राइट ऑफ जेड। तो टी टू पे आप खड़े हो और टी वन में मिला, तो टी टू से टी वन एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दिया। लेकिन अभी यहां पे भी चेक करना, लेकिन यहां पे कोई ऑपरेशन है ही नहीं राइट ऑफ जेड, तो आपको नो नीड टू चेक, डन। नेक्स्ट राइट ऑफ वाई, राइट के केस में आपको ध्यान रखना है, राइट के केस में दो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रीड और राइट बोथ। तो यानी राइट ऑफ वाई का कॉन्फ्लिक्ट कौन होगा? राइट ऑफ वाई का कॉन्फ्लिक्ट होगा रीड ऑफ वाई एंड राइट ऑफ वाई बोथ। तो बस राइट के केस में थोड़ा ध्यान रखना, तो राइट का कॉन्फ्लिक्ट है रीड एंड राइट, कहीं पे है नहीं, कहीं पे है ये रहा नहीं, वाई का है ही नहीं, वाई का कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं यहां पे। तो आपको सबसे पहले तो इंटरनली अपने खुद के अंदर चेक नहीं करना, मतलब अगर आप रीड ऑफ एक्स चेक कर रहे हो तो राइट ऑफ एक्स खुद में नहीं चेक करना, दूसरी ट्रांजेक्शन में, अदर ट्रांजेक्शन में चेक करना है। खुद में अगर मिल गया, खुद तो ट्रांजेक्शन कोई मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, ट्रांजेक्शन खुद तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब पैरेलल चलती है, तो आपको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। राइट ऑफ वाई नहीं मिला, उसके बाद हम आते हैं राइट ऑफ जेड पे। तो राइट ऑफ जेड का कॉन्फ्लिक्ट कौन है? रीड ऑफ जेड, राइट ऑफ जेड। बस राइट के केस में ध्यान रखना, इसके दो कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं, रीड ऑफ जेड, राइट ऑफ जेड। क्या कहीं पे रीड ऑफ जेड है? ये रहा, इवन राइट ऑफ जेड भी है, दोनों ही है, तो कोई बात नहीं। टी टू से टी वन, टी टू से टी वन, बट टी टू से टी वन हमने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, तो ओवर राइट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर एक बार लाइन ड्रॉ हो गई तो एज हो गई। तो टी टू पे हम खड़े हैं राइट ऑफ जेड, और कॉन्फ्लिक्ट है रीड ऑफ जेड, मिल गया ये रहा। लेकिन ऑलरेडी टी टू से टी वन लाइन ड्रॉ है, तो आपको दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, अब ये तो एक इसके ही ऑपरेशन बचे हैं, तो इसको हम कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, तो आप इसको कह सकते हो ये भी चेक हो गए, बिकॉज इनका कंपेरिजन कहीं पे है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी डन हो। अब आप आ जाओ इस ग्राफ के ऊपर, ये प्रेसिडेंस ग्राफ, आपको चेक करना है कि ग्राफ के अंदर लूप या साइकिल, लूप या साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। साइकिल मतलब आपको सिंपल बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि आप अगर एक किसी भी नोड से चले, क्या आप घूम के वापस आ सकते हो? अगर आ सकते हो तो वो लूप या साइकिल, उसको हम बोलते हैं साइकिल एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि उस साइकिल में सारे नोड्स आने चाहिए, उस साइकिल में जरूरी नहीं है कि सारे नोड्स आने चाहिए, हो सकता है कि हम एक नोड से घूम के ही वापिस आ जाएं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइकिल। तो T1 से अगर मैं चलूं कहीं भी नहीं जा सकता, T2 से अगर मैं T3 पे जाऊं, T3 से मैं T1 पे जाऊं लेकिन वापिस नहीं जा सकता, T3 से अगर मैं T1 पे जाऊं तो भी वापिस नहीं जा सकता। तो इस ग्राफ में नो लूप या नो साइकिल आप बोल सकते हो। तो अगर नो लूप या नो साइकिल आपने फाइंड कर लिया, अगर इस ग्राफ में नो लूप या नो साइकिल आ गया, तो यानी ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। तो यानी इसको आप क्लियरली बोल सकते हो कि यस यू आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। और अगर एक शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड क्यों लगा है यहां पे? क्योंकि मेथड का नाम है, हम इसमें कॉन्फ्लिक्ट पेयर चेक कर रहे हैं, इसीलिए हम इसका नाम बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो हां, ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, और अगर ये सीरियलाइजेबल है तो आप गारंटी दे सकते हो कि ये सीरियल सीरियलाइजेबल है, मतलब इस शेड्यूल के इक्विवेलेंट कोई सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करता है। मतलब ये दिखने में जरूर ये पैरेलल है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करके सीरियल बना सकते हो। अगर ये सीरियलाइजेबल है तो यानी ये कंसिस्टेंट भी है, कंसिस्टेंट भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, यस, तो यानी ये सीरियलाइजेबल भी है, कंसिस्टेंट भी है। लेकिन यहां पे एक मुद्दा आता है कि सीरियलाइजेबल है तो क्या बनेगा, कैसे? मतलब क्योंकि तीन ट्रांजेक्शन है, तो सीरियलाइजेबल के लिए हमारे पास छह पॉसिबिलिटी बनती हैं, टी वन टी टू टी थ्री, या फिर टी वन टी थ्री टी टू, या फिर मेरे पास टी टू टी वन टी थ्री, या फिर टी टू टी थ्री टी वन, या फिर टी थ्री टी वन टी टू, या फिर टी थ्री टी टू टी वन। ये सिक्स पॉसिबिलिटीज बनी, तो इन सिक्स में से कौन से के इक्विवेलेंट बनाए, कैसे हम बता सकते कि पहले ये हुआ फिर ये या फिर ये? तो उसको चेक करने के लिए भी आपको ग्राफ को ही देखना है। इस ग्राफ में देखो,
और इस ग्राफ में चेक करना है आपको इन डिग्री, इन डिग्री जीरो, मतलब वो वर्टेक्स ढूंढो जिसकी इन डिग्री जीरो है, मतलब जहां पे कोई भी वर्टेक्स, कोई भी एज उसकी तरफ नहीं आ रही। इस टी वन की तरफ दो एज आ रही है, टी थ्री की तरफ एक एज आ रही है, टी टू की तरफ देखो कोई एज आ रही है, टी टू की तरफ नहीं आ रही। तो सबसे पहले टी टू को ही उठा लो, तो सबसे पहले क्या करो आप टी टू को उठा लो। टी टू को जैसे ही आपने उठाया, टी टू को अब आप ग्राफ से एक तरह से खत्म कर दो, ग्राफ से ये निकल जाएगा। तो अगर वर्टेक्स ही नहीं बचा तो एज का भी कोई रोल नहीं है वहां पे, तो एज भी एक तरह से खत्म हो गई, क्योंकि एन एज मस्ट हैव टू एंड पॉइंट्स, तो टू एंड पॉइंट कोई बचा ही नहीं, एक एंड पॉइंट तो खत्म कर दिया, तो वो दो एज भी निकल गई। बचे हुए ग्राफ में देखो इन डिग्री, वर्टेक्स की तरफ कोई एज आ रही है, आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, नहीं आ रही, तो दूसरा आप उठा लो टी थ्री, और फिर जब टी थ्री को हटाओगे तो लास्ट में क्या बचा टी वन। तो यानी ये छह जो पॉसिबिलिटीज है उनमें से टी टू टी थ्री टी वन, टी टू टी थ्री टी वन, यस दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो ये ग्राफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, यस yes. क्या ये ग्राफ सीरियल है, यस yes. What is the sequence? This is the sequence. क्या ये graph consistent है? Yes, it is a consistent graph. So this is how we check whether a graph is consistent or serializable or conflict serializable or not. और इसके ऊपर आपको भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे गेट के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर। तो प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और सारे के सारे क्वेश्चन आप उसके बाद ट्राई करो। अगर आप इसको लिखना चाहो, आप इस शेड्यूल को इस तरीके से लिख सकते हो, T2 इकट्ठा हो गया बिकॉज T1, T2, T3, मतलब सबसे पहले T2 कंप्लीट होगा, T2 कंप्लीट होगा, फिर T3 कंप्लीट होगा, फिर T1 कंप्लीट होगा। तो T2 के ऑपरेशंस सबसे पहले, फिर T3 के ऑपरेशंस, फिर T1 के ऑपरेशंस सबके बाद। सो दिस इज हाउ वी चेक वेदर द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। थैंक यू।